हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉर्जन से रिलेटेड, हम लोग इजीली फार्मूला कैसे याद रख सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें एक इस तरह का इक्वेशन दिखेगा जिसे हम लोग टॉर्जन इक्वेशन कहते हैं, जिसमें टी बाई टाओ इज इक्वल्स टू जे बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, ठीक है। एक्चुअली में ये तुम्हें टी बाई जे टाओ बाय आर और जी थीटा बाय एल दिखेगा बुक में, लेकिन मैंने इस तरीके से अरेंज करके रखा है, ठीक है। तो अब देखो आसानी से इसे याद रखने का तरीका, ठीक है। दोनों टी जैसा एक साथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद तेरा जे आर, इसको आप लोग यहाँ पे जूनियर याद रख सकते हो जे आर से, ठीक है। जूनियर हम लोग जे आर लिखते हैं। तो उसके बाद बाकी जी थीटा बाय एल तो याद रह ही जाता है, ठीक है। और एक और तरीके से आप लोग याद रख सकते हो इसको, कि दोनों टी एक साथ ये सेम रहेगा, बाकी इसको आप लोग यहाँ पे जो है थोड़ा अरेंज कर सकते हो जे बाय आर जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू थीटा बाय एल। तो यहाँ पे जो मैंने जूनियर बोला था, ठीक है, तो इसे आप लोग यहाँ पे जूनियर जी करके भी याद रख सकते हो, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने शक्तिमान के साथ साथ एक और आता था जूनियर जी, जी जैम जैमी बू वाला जूनियर जी, तो उस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो होप गाइस अब ये आप इक्वेशन आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ एक जो फ्लेक्सर फार्मूला मतलब बेंडिंग फार्मूला का बात करते थे, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग फार्मूला हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एम बाय आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। इसे भी मैंने देखो इसे अपने तरीके से थोड़ा अरेंज कर लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। एम वाई बाय आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर इज इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है। अब बात देखो, यहाँ पे एम वाई बाय आई लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं याद रखता हूँ माई आई, ठीक है, मतलब कि मेरी आँख। तो ये तो एम वाई हो गया और ये आई, ठीक है, ये वाला आई एम वाई बाय आई, तो मतलब मेरी आँख, मतलब माई आई, ठीक है। और इधर ई बाय आर, तो ई बाय आर यहाँ पे क्या समझो ना, आप लोग क्या हो, आप लोग इंजीनियर हो, ठीक है, इंजीनियर हो। तो ई आर नाम के आगे लगाते हो तो वो क्या होता है, इंजीनियर होता है, तो इसीलिए ई बाय आर, और बाकी बचा स्ट्रेस का टर्म तो वो सिग्मा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो माई आई ई आर इंजीनियर इज इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं यहाँ पे टॉर्सन का, ठीक है। अगर इस तरीके से लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, कि जिस डायरेक्शन में अगर ये लग रहा है तो इस डायरेक्शन में अपना थंब कर्ल करो, ठीक है। और तुम्हारा थंब जिस तरीके जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे इससे साइन दिखा देंगे। तो ये टॉर्जन और मोमेंट का साइन हम लोग डबल एरो से दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का साइन दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो अंदर की ओर आ रहा है तो उसे हम लोग पॉजिटिव बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि किसी में कोई चीज़ जुड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये अंदर आ रहा है, मतलब कि वो उसमें समा रहा है, मतलब जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव बोल देंगे। उसी तरीके से इस तरह वाले को हम लोग अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो सिमिलरली ये बाहर की ओर पॉइंट करेगा, मतलब किसी से कोई चीज़ निकल रहा है मतलब घट रहा है, तो उसे नेगेटिव हम लोग बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सर्कुलर सेक्शन का। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस दोनों बराबर होता है, पाई डी का पावर 4/64 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 लिखाया है सिर्फ, तो यहाँ 64 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, मतलब आई जेड जेड, मतलब एक एक्सिस आपका इस तरीके से चल गया तो, ठीक है, मतलब एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर, तो उसे जेड बोलेंगे। तो आई जेड जेड यहाँ पे हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब यहाँ पे दोनों तो बराबर होता है, पाई डी का पावर 4/64, तो यहाँ पे पाई डी का पावर 4/32 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बात करें अगर हम लोग चलते चलते होलो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर की, तो यहाँ पे जो हॉलो का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ पे 32 तो नीचे में रहेगा ही, बस यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं डी का पावर 4-d का पावर 4। अब यहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड शाफ्ट की बात कर लेते हैं। कंपाउंड शाफ्ट मतलब क्या, जुड़ा रहेगा दो अलग अलग तरह के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक सपोज करो पहला हम लोग सीरीज कनेक्शन का देख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में मेरा क्या रहेगा ना, थ्रू आउट टॉर्क मेरा सेम रहेगा, ठीक है, मतलब कि सीरीज कनेक्शन में थ्रू आउट मेरा टॉर्क सेम रहेगा। जैसे कि पाइप कनेक्शन में हम लोग डिस्चार्ज मेरा सेम रहता था सीरीज कनेक्शन में, उसी तरीके से यहाँ पे मेरा टॉर्क सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हम लोग यहाँ पे टॉर्जनल फार्मूला से निकालेंगे, तो यहाँ पे
TL अपॉन GJ हो जाएगा। रीअरेंज करके लिखोगे तो यहाँ पे थीटा मतलब टी बाय जे, और यहाँ पे हो जाएगा टाउ बाय आर, जो ओरिजिनल फॉर्म जो बुक में रहता है, जी थीटा बाय एल। ठीक है, उसके बाद इस जी को उठा के आप लोग यहाँ पे ले आओगे तो थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला देखना है, तो थीटा हो जाएगा TL अपॉन GJ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही है, तो सीरीज में तुम्हारा टॉर्क सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा दोनों का जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे जुड़ जाएगा। थीटा AC इज इक्वल्स टू इसका जो होगा तुम्हारा ये वाला और ये वाला, मतलब कि समझो कि तुम्हारा जो हाथ है ना उसे कोई पकड़ के मोड़ दिया। ठीक है, तो कोई मोड़ दिया तो इनिशियल पोजीशन से थीटा कितना हो जाएगा, जितना जो कोहनी तुम्हारा मुड़ रहा है, ठीक है, एकदम शोल्डर पॉइंट से। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा स्ट्रेट है कोहनी, तो वहाँ पे कुछ थीटा नहीं जुड़ेगा जीरो, लेकिन अगर वो भी थोड़ा टेढ़ा है तो वो थीटा भी तुम्हारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब तो आपका हाथ पकड़ के किसी ने मोड़ दिया। ठीक है, तो टोटल थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहीं पे थीटा वन और इसका थीटा प्लस इसका थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह पैरेलल कनेक्शन में, तो पैरेलल कनेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे मेरा थीटा सेम होगा। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन आप लोग देख सकते हो। आप सपोज कर लो अगर ये वाला तुम्हारा हाथ है, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो दिख रहा है तुम्हें, वो सपोज कर लो कि हाथ के ऊपर तुमने शर्ट पहना हुआ है, फुल शर्ट पहना हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई मोड़ेगा तो जिस एंगल से तुम्हारा हाथ घूमेगा, शर्ट भी साथ साथ उसी एंगल से, शर्ट का भी उसी एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में हम लोग इस तरीके से, यहाँ पे थीटा वन अभी मैंने बताया TL अपॉन GJ होगा, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग शियर सेंटर के बारे में। तो शियर सेंटर वो पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके अबाउट तुम्हारा फोर्स लगने से ट्विस्टिंग जो होता है, मतलब टॉर्क जनरेशन ट्विस्टिंग जो होता है वो जीरो होता है, वहाँ पे सिर्फ बेंडिंग होता है। ठीक है, तो उस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग कोई भी लोड या लोड लगाएंगे तो वहाँ पे मेरा ट्विस्टिंग फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते थोड़ा शियर फ्लो के बारे में। तो शियर फ्लो जो होता है तुम्हारा ऑलवेज टेंशन से लेके कंप्रेशन साइड में होता है। ठीक है, मतलब टेंशन से होते हुए तुम्हारा जाएगा कंप्रेशन साइड की ओर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे और ये तुम्हारा जो है ना वो शेयर फ्लो जो होता है, देखो यहाँ पे ये अगर हम लोग यहाँ पे इसका बनाए, ये न्यूट्रल एक्सेस अगर हम लोग दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेंशन साइड हो जाएगा, ये कंप्रेशन साइड हो जाएगा। तो टेंशन साइड से होते हुए यहाँ पे जा रहा है तुम्हारा कंप्रेशन साइड पे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम्हारा कहीं पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा ना, तो शियर सेंटर तुम्हारा उसी एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाला है, ठीक है, ये वाला वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उसी पे देखो तुम्हारा शियर सेंटर लाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका देख लें तो ये येल्लो वाला आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वहाँ पे ये शियर सेंटर लाई करेगा। ठीक है, उसी तरीके की बात करें अगर हम लोग ये चैनल सेक्शन का, तो चैनल सेक्शन देखो फिर यहाँ पे कंप्रेशन, ये सॉरी ये टेंशन साइड, ठीक है, और ये कंप्रेशन साइड जैसे कि बीम में हम लोग देखते थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा जा रहा है इस तरीके से, ऐसे होते हुए और इधर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा वाला है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अलावा देखो तुम्हारा शियर सेंटर लाई कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रख लेना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछता है, कन्वेंशनल में भी डायरेक्ट पूछ देता है 8 नंबर या 5 नंबर करके। तो ई इज इक्वल्स टू h² b² t/4 i। ठीक है, तो इसे तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो h = h² b² t/4 i, इसे 2-4 बार बोलोगे ना तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन का भी है, तो हालांकि ये अगर दोनों एक्सिस के अबाउट कोई सिमेट्रिकल सेक्शन रहेगा ना, जैसे मान लो इस तरीके का रहेगा आपका, तो ये इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, ये इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो ये जो है ना दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पे लाई करेगा क्या, शियर सेंटर। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा ये था, और अनसिमेट्रिकल सेक्शन पे तो जी तो तुम्हारा इंटरसेक्शन पे ही लाई करेगा,
और ये एस तुम्हारा यहाँ पे लाया करेगा। हाँ एक और चीज़ तुम्हारा जो हाँ यहाँ पे एस और जी दोनों एक ही जगह लाया करेगा, तो सीयर सेंटर और सेंट्रॉयड जो है वो तुम्हारा तभी एक पॉइंट पे लाया करेगा जब तुम्हारा कोई दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। कम से कम यार 50-60 व्यूज़ तो आने चाहिए ना, वरना मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ये देखो मैं मुझे कितने दिन, कम से कम 3-4 दिन बाद आज बनाने का मन किया, तो इस तरह की बातें थोड़ी डिमोटिवेशन से लगने लगता है। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।